हम लोग अब आगे नेक्स्ट ग्राफ बताएंगे चांसला ना, तो चांसला में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम लोग चांसला का तो ग्राफ बन गया होगा पिछले क्लास में जो दिए थे, कितना लोग बनाया है, कितना लोग बनाया, आप लोग नहीं बनाया कोई, तो भूल जाएगा तो बाहर कर देंगे सब लोग को, सुबह वाला दूसरे बैच में आके देखना, उसमें ना कल कल आधा बच्चा लोगों को पता है किसको किसको बाहर करना है, पूछने की जरूरत नहीं पड़े, चेहरा से दिख जाता है कि होमवर्क नहीं बनाया है वो, मतलब चुपचाप निकल जाओ वहां से बाहर। तो दूसरा हम लोग चार साल वाला ग्राफ तो बन गया होगा, तुम लोग नहीं बनाए, आसान है बन जाएगा। तो एक चीज ग्राफ जो है उसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट ग्राफ है, जैसे अगर हम सपोज करिए, जैसे अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर प्रेशर है और ये वॉल्यूम का ग्राफ है, इस तरह से क्वेश्चन आते रहता है, प्रेशर और तो प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ कैसा था, ऐसा इस पूरे लाइन में टेम्परेचर कांस्टेंट था, पूरे लाइन में टेम्परेचर कांस्टेंट था, कल बढ़ाया था ना पिछली क्लास में, तो माना कि इसमें टेम्परेचर अगर टी वन है और यहाँ टेम्परेचर टी टू है, यहाँ टेम्परेचर टी थ्री है, तो रिलेशन आपसे पूछेगा ना कि आप बताइए कि टी वन बड़ा है टी टू से, बड़ा है टी थ्री से, या आपको बताना होगा कि टी वन टी टू टी थ्री इसमें कौन बड़ा है, तो दोनों में कौन सा सही होगा, कैसे अंदाजा में तो हम भी कुछ बोल सकते हैं, तो हम चार ऑप्शन में हम लोग बना देते हैं, 25 क्वेश्चन बनाए 18 नेगेटिव रहता है बहुत लोग का, तो ऐसा क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा। तो टेम्परेचर के बीच में रिलेशन निकालना है ना हम लोग को, तो सबसे पहले क्या करेंगे ना, इन दोनों में से कोई एक ठोको तभी रिलेशन आएगा, कोई एक ठो कॉन्स्टेंट करना पड़ेगा, चाहे जिसको मन करे उसको करिए, ठीक है ना। तो मान लिया वॉल्यूम को ही कॉन्स्टेंट कर देते हैं, तो वॉल्यूम को कॉन्स्टेंट कर लेते हैं, यहाँ पे मान लिया वॉल्यूम ले लिए, यहाँ देखिए यहां से यहां पे पूरा लाइन को ऐसे कट करिए, तो बताओ यहां से यहां पे क्या दिख रहा है आपका, प्रेशर T1 टेम्परेचर का प्रेशर और T2 टेम्परेचर का और होगा ना, तो किसमें प्रेशर ज्यादा दिखा, किसमें, तो P3 का प्रेशर और टेम्परेचर में क्या रिलेशन होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से प्रेशर ज्यादा होता है नहीं, यानी T3 का वैल्यू ज्यादा होगा, तो आंसर ठीक। ऐसा ग्राफ भी बनाया था पिछले क्लास में कि P और 1 by V के बीच में ग्राफ कैसा था, लीनियर था, तो लीनियर था, तो लीनियर में ध्यान से सुनिए, ऐसे यहाँ भी हम T1, T2 और T3 इसमें रिलेशन अगर इसी तरह का निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, फिर एक ठो को कांस्टेंट कर दीजिए, है ना, तो फिर एक ठो को कांस्टेंट करिएगा तो भाई वॉल्यूम को ही कांस्टेंट करते हैं, और वॉल्यूम को कांस्टेंट करके आप इसको यहाँ मिला दीजिए, इससे इसको यहाँ मिलाइएगा तो बताइए यहाँ क्या होगा, T1 का और यहाँ P2 और T3 का, बताइए आप अब किसका ज्यादा, इवन ज्यादा है क्या, प्रेशर तो ऊपर ना बड़ा होगा, पिथरी ना बड़ा है, वन बाई भी नहीं रहेगा, हम तो भी को यहाँ कॉन्स्टेंट कर दिए, मैंने सारा वॉल्यूम में सब सेम वॉल्यूम में निकाला गया, तो वॉल्यूम के बारे में तो सोचेंगे नहीं, अब तो प्रेशर ना सोचेंगे, और प्रेशर के साथ साथ टेम्परेचर चेंज हो रहा है, लेकिन वहां तो वन बाई भी तो ग्राफ है। हाँ भाई, तो वॉल्यूम जो भी था 10 लीटर 20 लीटर रख के यहाँ कॉन्स्टेंट कर दीजिए, अभी चेंज नहीं कर रहा है, तो पूरा लाइन में कहीं भी चेंज नहीं करेगा ग्राफ, कुछ भी रह, लेकिन हम भी को क्या कर दिए, कॉन्स्टेंट कर दिए, तो कॉन्स्टेंट हुआ मतलब चेंज ही नहीं कर रहा है वॉल्यूम, तो नहीं समझे, हम ही बोल रहे वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है, ये बोलते तब ना कि वॉल्यूम भी चेंज कर रहा है, हम वॉल्यूम बोल रहे जो भी वैल्यू है इस पॉइंट पे सारा वैल्यू सेम है, तो इस पॉइंट में भी वॉल्यूम वही होगा, इसमें भी वन बाई भी का वैल्यू वही होगा, इसमें भी वन बाई भी का वैल्यू, फर्क कौन होगा, टेम्परेचर का केवल, नहीं तो बताओ ज्यादा प्रेशर किसका दिख रहा है, तो P3 का ज्यादा प्रेशर दिख रहा है, मतलब टेम्परेचर T3 ज्यादा होगा, इस केस में भी T3 का वैल्यू बड़ा होगा T2 से, बड़ा होगा,
अगर हम इसी ग्राफ को ऐसे लिख दें, ध्यान सुनना, ये प्रेशर ग्राफ है, फिर से 1/V और ये ना इसके हिसाब से मोल है, दिस इज N1 N2 और ये क्या बोल दे रहे हम लोग N3, अगर मोल के हिसाब से बोलेंगे भाई, क्योंकि देखो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में कोई भी ग्राफ होगा तो उसमें टेम्परेचर और मोल तो कांस्टेंट होगा ना, तो हम क्या किए टेम्परेचर नहीं दिखाए, इसका मतलब पूरे दोनों ग्राफ के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, इसका मतलब मोल चेंज हो रहा हो, और यहाँ पे हम नहीं दिखाए कि टेम्परेचर दिख रहा है, इसका मतलब है मोल कांस्टेंट होगा, तो मोल के हिसाब से कैसे दिखाएंगे। तो फिर से इसमें तरीका है कि कोई भी दो का बीच में तो वॉल्यूम फिर से हम क्या करें कांस्टेंट रखें, यही वॉल्यूम लिए और यहाँ का प्रेशर और यहाँ का P2 और यहाँ का, तो बताओ P3 और मोल और प्रेशर में क्या रिलेशन है, कैसे ज्यादा मोल रहने से कंटेनर में ज्यादा दीवार में फोर्स लगाएगा तो प्रेशर ज्यादा होगा, इसका मतलब फिर से N2 N3 बड़ा होगा, ऐसा होगा ना, नहीं। उसके बाद चार्ल्स ला का ग्राफ बनाए होंगे आप लोग, चार्ल्स ला में वॉल्यूम और टी के बीच में क्या ग्राफ था, वॉल्यूम और टी के बीच में भाई हम पिछले क्लास में बोले थे सब लोगों को कि वॉल्यूम हम बॉयस ला का ग्राफ बना दिए, सिमिलरली चार्ल्स ला और एवोगाड्रो ला का ग्राफ अपने से बनाना है ना, तो अपने से सब इक्वेशन तो पता है ही सबको, खाली ग्राफ में बनाना था, इसके बीच में कैसा ग्राफ लीनियर कैसे था, तो इक्वेशन क्या था चार्ल्स ला में V=KT था ना, तो वाई कोऑर्डिनेट पे इसको रखेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट पे इसको m हो गया और इंटरसेप्ट मतलब पासिंग थ्रू ओरिजिन, ग्राफ ऐसा कुछ होगा, तो ग्राफ ऐसा होगा, तो ग्राफ अगर हम अलग अलग लिखेंगे तो इसको क्या होगा, P1 P2 और P3 लिख दिए, अरे भाई वॉल्यूम और यहाँ है तो हर ग्राफ में प्रेशर अलग अलग होगा ना, हाँ लेकिन इस पूरे लाइन में ध्यान रखना हर पॉइंट में प्रेशर P1 होगा, हर पॉइंट में प्रेशर P3 होगा, नहीं तो इसको कैसे निकालेंगे, फिर से यहाँ पर क्या कहिए टेम्परेचर को कांस्टेंट कर लीजिए और यहाँ से ऐसे देखिए, यहाँ का वॉल्यूम तो बताइए जिसका प्रेशर ज्यादा होगा, प्रेशर देखो यहाँ सॉरी वॉल्यूम क्या दिख रहा है यहाँ, तो प्रेशर वॉल्यूम ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, आकृति को वीडियो पे भेजे थे देख लिए थे, नहीं देखिए हाँ सॉरी ग्रुप में भेजे थे ना, नाम भूल गया क्या नाम, हाँ वेदिका, तो वीडियो देखे थे और आकृति नहीं आई है इसी बीच में ना आकृति, हाँ दिमाग में ना मैंने एक बार बैठ जाता ना कि ऐसे सोचे थे तो उसे गड़बड़ा हो जाएगा, तुम थोड़ा जब माइंड को पूरा भूल जाओ फिर बोले नया फ्रेश माइंड तो गड़बड़ होते रहेगा वही, हाँ ये बोल रहे कि यहाँ पे वॉल्यूम क्या है, अब तुम एक के चक्कर में ना तुम सब गड़बड़ा दिया ना मामला, नहीं तो पास आउट में जनरली क्या होता है ना, पास आउट बैच में क्या होगा ना पढ़ के आता है, उसके बाद जहाँ पढ़ाएंगे ना जहाँ दूसरा तरीका पढ़ाएंगे ना तो फिर नीचे देखने लगेगा, वीडियो था मेरे पास कहाँ गया, बोला वीडियो में दूसरा था ठीक है ना, तो गड़बड़ पता चला उसके चक्कर में वीडियो में खोज रहा है वो पॉइंट, कभी कभी पढ़िएगा तो पहला बार में नहीं पढ़िएगा ना तो आपको क्या बोल रहा है बात दूसरा रहेगा, समझ दूसरा आता है, हो सकता है कभी कभी पहली बार पढ़िएगा ना तो यहाँ भी कुछ बोलेंगे आप कुछ दूसरा समझिएगा, सबका कन्फर्मेशन कैसे आता है ना, क्वेश्चन बनाइएगा ना तो तभी कन्फर्मेशन आएगा, सोचिएगा खाली हम थ्योरी पढ़ के काम चला ले मैंने आपको समझिएगा, बाद में ABCD भी नहीं पता चले, न्यूमेरिकल का न्यूमेरिकल बनाना पड़ेगा ठीक है ना, तो हाँ ग्राफ जी समझ गए सब लोग, तो ऐसे अगर हम लोग दूसरा ग्राफ पी अगर हम यहाँ पे लिखते हैं पी और यहाँ टी के बीच में ग्राफ प्लॉट करिए तो सब लोग अगर ये वाला अरे वॉल्यूम अगर ज्यादा होगा तो प्रेशर में क्या रिलेशन, वॉल्यूम और प्रेशर में क्या रिलेशन होता है इनवर्सली बॉल्सला नहीं, अगर सुनो किसी किसी को इनवर्सली या डायरेक्टली याद नहीं रहेगा ना, तो उसके लिए तो समझिए ध्यान से, ये वाला जी बताए थे ना आपको प्रेशर इक्वल टू
फोर्स बाई, तो आप इससे सोचना, इससे इससे बताए थे ना ऐसा, तो बताओ प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन है, तो इन दोनों को कांस्टेंट रखेंगे तो इन दोनों में रिलेशन क्या है, तो जिसका वॉल्यूम ज्यादा होगा उसका प्रेशर कम होगा, सारा ऑप्शन इसमें दिखेगा। हो सकता है कभी कभी कोई बॉयस ना चार्ज ना भूल जाए, कोई दिक्कत नहीं है, सब भूल सकता है उसे, तो इस बात को आप याद रखिएगा ना, तो कौन डायरेक्टली है कौन इनवर्सली है ना, जैसे तुम्हारा पॉइंट यहाँ देखो यार, आप क्या चाहते हैं कि वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना चाहते हैं ना, नहीं वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना चाहते हैं, फिर हम क्या बोले टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाने से लेकिन इसको नहीं चेंज करना, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो साथ साथ में प्रेशर भी बढ़ेगा, तब नहीं कॉन्स्टेंट रहेगा, टेम्परेचर बढ़ाने से प्रेशर नहीं बढ़ेगा, देखो यहाँ देखो ऑप्शन, या ऐसे सोचो ना भाई कि कंटेनर का साइज, ऐसे सोचो कंटेनर का साइज सेम है, हम टेम्परेचर बढ़ा दिए तो क्या होगा, मॉलिक्यूल का स्पीड, तो पहले धीरे से टकरा रहा था अब जोर से नहीं टकराएगा दीवार में, तो दीवार में टकराने का फोर्स क्या होगा, तो फोर्स बढ़ जाएगा लेकिन एरिया तो वाल का वही है, वॉल्यूम वही है, तो प्रेशर तो बढ़ेगा ही ना, नहीं लेकिन हम क्या किए कि टेम्परेचर बढ़ा दिया, सीधे सीधे कंटेनर का साइज भी बड़ा कर देंगे, खूब ज्यादा बड़ा कर देंगे, तो टेम्परेचर बढ़ाने के बाद भी प्रेशर घट जाएगा, नहीं लिखिए ग्राफ बनाइए इसको, बन गया बना लिया तुम लोग, तब आगे हम लोग ग्राफिकल वाला बाकी अपने से प्रैक्टिस करिएगा, समझे, क्वेश्चन बनाइएगा, जो बुक पैकेज है पैकेज में बनाइएगा, बुक से बनाइएगा ना, तो बनाने के बाद डाउट पूछिएगा ना, तो ज्यादा और क्लियर होगा, ना तो अपने बताते जाने से भी क्या होता है ना, खाली बस आधा समझ आया आधा, हाँ रिलेशन समझ, कुछ ग्राफ कैसे स्ट्रेट लाइन है भी तो समझ आना चाहिए, सारा कुछ बनाइएगा अपने से तभी क्लियर होगा, ठीक। चलिए आगे हम लोग अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, किसी का भी किसी का किसी के बीच में ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं ना, प्रेशर और वॉल्यूम का अगर इक्वेशन हुआ तो सबसे पहले ग्राफ जो पिछले क्लास में बताया है कि सबसे पहले क्या देखना है, सारा ग्राफ को पहले y इक्वल टू से मैच कराना है, मैच कर गया तो ठीक है, नहीं मैच किया तो भी ठीक है, मैच किया तो स्ट्रेट लाइन, नहीं मैच किया तो अब कर्व में कैसा कर्व होगा सोच सोच के देख लेंगे, बढ़ाने से बढ़ता है घटता है, इसमें बढ़ाने से बढ़ता है घटता है कभी कभी ना कंफ्यूजन होता है, तो आप इसको याद रखना ही वाला, प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया सबको याद रहता है, उसका फोर्स में था ना याद करो मोल और टी, इससे सोचिएगा ना, तो सब अपने साइड में लिख लीजिएगा तो क्लियर कट होगा कौन डायरेक्टली था कौन इनवर्सली था, कुछ लोग बोले ना कि डायरेक्टली बोल दिया अब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा, इतना तेजी से बोल रहा था हमको भी डर लग रहा था इतना तेजी से कैसे बोल रहा है, तो कुछ लोग 10 लोग बोलता है पीछे से बाकी कोरस म्यूजिक होता है ना, तो उसको फिर दिक्कत होगा प्रॉब्लम होगा सब लोग। चलिए तो अब आगे हम लोग ना न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन कराए थे पिछले क्लास में, एक भी क्वेश्चन नहीं कराए थे, तो एक क्वेश्चन हम लोग पीवी इक्वल टू एनआरटी में, सबसे पहला बात समझिए कि पीवी इक्वल टू एनआरटी में ना दो तरह का, पहला पीवी इक्वल टू एनआरटी में आर का वैल्यू जरा पूछ लेते हैं एक बार, आर का वैल्यू क्या होगा तभी ना, बोलो तो कशिश आर का वैल्यू, खड़े होके पूरा बताना, हाँ बोलो 0.5 है, तुम थोड़ा थोड़ा कर बढ़ा दी, एक लगाएंगे ठीक से बोलो 0.0, क्या बोले थे आर का वैल्यू, आर का वैल्यू 0.0821 एटीएम मीटर पर केल्विन पर मोल, और इसको लिखते वक्त क्या ध्यान रखता है रखते थे कि जिस क्वेश्चन में आर का वैल्यू, ज्यादातर क्वेश्चन हम कराएंगे ना तो हम प्रयास करेंगे आर का वैल्यू इसी यूनिट में रख के कराएं, ठीक, दूसरा बुक में दूसरा होगा कॉन्सेप्ट यही होगा, तो जिस क्वेश्चन में आर का वैल्यू इसको रखेंगे ना उसमें रखने से ध्यान रखना है प्रेशर को, यूनिट ध्यान रखने से फायदा ना होगा, वॉल्यूम को आगे दोनों में नहीं बोलेंगे, क्यों हर क्वेश्चन में तो मोल को मोले में लेंगे और क्या टेम्परेचर को, इसलिए नहीं बोलेंगे, इसी को हम अलग अलग तरीका से रखे बताए थे ना कि इसको ऐसे भी ले सकते हैं इसको भी ऐसे भी, और उसका एक और आर का वैल्यू जो यूज होगा कभी कभी, कोई 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 बुक में ना ज्यादा यूज इसका भी होगा देखिएगा, हाँ क्योंकि ऐसा यूनिट ना है, कोई कोई बुक में क्या होगा ऐसा यूनिट का क्वेश्चन ज्यादा यूज करता है ना, तो आर का वैल्यू इतना यूज करेंगे, तो इसको क्वेश्चन में यूज करने के लिए क्या करेंगे, कब लेंगे प्रेशर किस में लेंगे, पास्कल में लेंगे, और वॉल्यूम तो मीटर क्यूब को लीटर को मीटर क्यूब में कैसे बदलते हैं,
1000 से डिवाइड करके, मीटर क्यूब बड़ा यूनिट है और एक मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है ना, तो बड़ा को भाई डिवाइड नहीं करते 1000 से, ठीक है ना। अच्छा देखो तो P क्या है, प्रेशर किसका, गैस का, कौन गैस का, जिसको हम पढ़ रहे हैं उसी गैस का प्रेशर। भी वॉल्यूम कंटेनर का, मोल पंखा का, टेम्परेचर मोबाइल का, तो अरे भाई हाँ मैंने वही बोला एनवायरमेंट का, मैंने कहा हम पढ़ेंगे न्यूटन ट्यूटोरियल में और फिर स्पीड जी में जमा करेंगे, अब बाहर में कहाँ पढ़ रहे, तो नहीं हम तो आकाश में पढ़ रहे, गड़बड़ा ना जाएगा वैसे। हाँ बायजूस में पढ़ रहे बोलेंगे नहीं। अरे भाई कहने का मतलब है कि भाई जिसका प्रेशर होगा वॉल्यूम उसी का ना होगा, ये अपने मन से बदलते रहिएगा। तो बोलिएगा ना देखो, जो कुछ लोग हम ज्यादा समझाएंगे ना तो क्वेश्चन कम बनने लगेगा, लेकिन अच्छा क्वेश्चन में फिर काम आएगा। होगा क्या कि जितना भी क्वेश्चन दिया रहता है तो प्रेशर वॉल्यूम सब थोड़ी होता है, प्रेशर उसका जान के थोड़ी देगा, प्रेशर गैस का, वॉल्यूम कंटेनर का, ऐसा थोड़ी लिखा रहता है। जनरली 99% क्वेश्चन में क्या लिखा रहेगा, जिसका प्रेशर उसी का वॉल्यूम उसी को ही ना लिखा रहेगा। तो कुछ लोग दिमाग नहीं भी लगाएगा ना, बोले हम तो कुछ सोच में नहीं किए, हमसे तो बन जाता, हम तो सर से ज्यादा तेज है, इतना सर मेहनत करके सोचने बोलते हैं, हमको तो टेंशन होता है ऐसे। लेकिन उसमें क्या है, अधिकांश क्वेश्चन में बन जाएगा आपसे, लेकिन एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन में गलती हो जाएगा, जहां पे से चाहेगा कि कंफ्यूजन क्रिएट कराने के लिए, जहां जिस क्वेश्चन में 2-3 वॉल्यूम 2-3 टेम्परेचर दिया रहेगा तो कंफ्यूज होगा किसको रखे, तो हर्ष क्या करेगा बारी बारी से रखेगा, तुक्का भिड़ गया तो आंसर आ जाएगा, गड़बड़ा जाएगा, लेकिन सारा आंसर मैच करता है इसमें। केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है ना, बनाइएगा तो सबका सब खुश रहता है, बनाने वक्त रिजल्ट में पहले देखेगा नेगेटिव मार्किंग खूब रहेगा नहीं। हाँ सुनो, तो जिसका प्रेशर मतलब जो गैस, सपोज करो कि आप 10 ग्राम मीथेन लिए गैस, तो 10 ग्राम मीथेन गैस का अगर आप मोल रख रहे हैं इस क्वेश्चन में, तो आपका एक बार कुछ एक बार रख दिए तो आप आपका टारगेट हो गया कि 10 ग्राम मीथेन रखे हैं उसी का मोल, अब इस क्वेश्चन में उसी का प्रेशर उसी का वॉल्यूम उसी का टेम्परेचर, सोच सोच के रखना पड़ेगा, तो सोच सोच के रखिएगा ना, तो क्वेश्चन कम बनाइएगा लेकिन कॉन्फिडेंस ज्यादा आएगा। कम कम सोच के बनाइएगा ना, तो क्वेश्चन लगेगा कि सर बना दिए, बगल बैच में एक बच्चा बैठा है लेकिन अभी तो रिकॉर्ड हो रहा है ना इसलिए नहीं बोलेंगे ना, तो बार बार सुनेगा मेरे बारे में बोल रहे थे है कि नहीं। तो PV=nRT में जिसका प्रेशर उसी का वॉल्यूम उसी का मोल, बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद RT को हम याद करने बोले तो सुझाता है, RT को कैसे याद करने बोले तो बताओ तो आप, हाँ खड़ा हो ना देख के, चीटिंग नहीं बोल। हाँ क्या बोले थे, R का वैल्यू इंटू टी, कौन सा टी, अगर टी 273 रहा तो R इंटू टी का वैल्यू, टी का वैल्यू 273 रहा तो R इंटू टी का वैल्यू क्या याद करने बोले थे, हम बोले थे पूछेंगे अगले क्लास में, आयुषी को याद है, बोलो तो आयुषी अगर 25 डिग्री रहा तो, देखो थोड़ा सा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का बात है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड तुमसे पहले पूछता है ना, तू भी ऐसे खड़ा रहते तुम बदल देती, बैठो यही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड काम होता है। याद हो गया ना सबको, याद हुआ, गरिमा देखी, ये चीटिंग नहीं की, देखो ना इधर फंदू है, चीटिंग भी नहीं करने, चीटिंग नहीं की ना, अच्छा हाँ ठीक है। तो एक क्वेश्चन कराते हैं, आसान क्वेश्चन कराए कि थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला, अच्छा दिमाग लगाने वाला तो लिखिए, तब पहला क्वेश्चन आप बोल ही रहे हैं दिमाग लगाने वाला, तो कैलकुलेट प्रेशर प्रेशर ऑफ गैस ब्रैकेट में लिख लीजिए, गैस कौन है तो मिक्सचर ऑफ ओजोन एंड ऑक्सीजन इन विच ऑक्सीजन इज 60% बाई वॉल्यूम, नो चिटिंग ऑक्सीजन इज 60% बाई वॉल्यूम ऑक्सीजन, ब्रैकेट बंद,
कॉमा लेके लिखिए इफ 34 ग्राम ऑफ मिक्सचर 34 ग्राम ऑफ मिक्सचर इज प्लेस्ड इन 5 लीटर कंटेनर एट 0 डिग्री सी 34 ग्राम ऑफ मिक्सचर प्लेस्ड इन 5 लीटर कंटेनर एट 0 डिग्री सी। चलिए तो पहला काम सुनो, क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व करने का पहला अप्रोच क्या है ना, सबसे पहले गिवन लिखिए सही से, किसी से सुन लो, इसमें आधा जितने लोग बैठे हैं ना उसमें से आधा में शुरू शुरू उससे नहीं बनेगा, आधा बनाइएगा ना, हम पहले फीलिंग बता दे रहे हैं क्या क्या आएगा, आधा वो क्वेश्चन बनाइएगा ना तो शुरू में हवा नहीं लगेगा, लेकिन हिम्मत करके गिवन सही से लिखते जाना। 10 क्वेश्चन लिखने के बाद देखिएगा क्वेश्चन बनने लगेगा आपसे, 10 क्वेश्चन नहीं बनेगा, हो सकता है शुरुआत में हार्ड फील होगा, टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन 10 के बाद बनने लगेगा। जो मान लिया एकदम गिवन सही से नहीं लिखेगा तो उसको फिर सिखाना मुश्किल है। सौरभ नहीं आया है, सौरभ सौरभ उधर है, आदित्य अच्छा उसमें लिख ले गिवन, हाँ तो गिवन हम भी लिखते हैं ना, ज्यादा ज्यादा नहीं बनाना है, थोड़ा कम ही कम ही बनाना है। क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट क्या बोला है निकालने, तो कैलकुलेट प्रेशर, पहले ना हड़बड़ करके क्वेश्चन सॉल्व करने का जरूरत नहीं, हम आपको क्या बोले शुरू का 10 क्वेश्चन थोड़ा भारी फील होगा, लेकिन आप सही से गिवन जिसको लिखने आ गया ना तो आपसे क्वेश्चन तुरंत तुरंत बनेगा। प्रेशर निकालने बोला है कब, एक कंटेनर में रखा गया है ऑक्सीजन और ओजोन, जिसमें जिसमें ऑक्सीजन कितना परसेंट है और ये कितना परसेंट, कैसा परसेंट बाय वॉल्यूम है ना, और इसमें मिक्सचर कितना रखा गया, वेट ऑफ मिक्सचर क्वेश्चन में दे दिया, वेट ऑफ मिक्सचर 34 ग्राम रखा गया है ठीक, और क्या लिखा है वॉल्यूम 5 लीटर कंटेनर, टेम्परेचर तो 273 केल्विन में रख देंगे, देख के क्या लग रहा है, पी पूछ रहा है यानी वेट, वेट मतलब मोल ना होता लगभग, अरे वेट को मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करेंगे तो मोल आएगा ना, तो देख के क्या लग रहा है कौन फॉर्मूला लगेगा, पीवी इक्वल टू एनआरटी नहीं लगेगा, तो पीवी इक्वल टू एनआरटी लगेगा, तो आप पीवी इक्वल टू एनआरटी रख दीजिए, तो पीवी इक्वल टू एनआरटी रखने के बाद क्या है मोल के जगह आप क्या कीजिएगा, वेट बाई मॉलिक्यूलर मास रखेंगे ना ऐसे, आप गौर करिए आपको बोला है प्रेशर निकालिए, तो वेट किसका दिया हुआ है, तो मिक्सचर का वेट दिया था, यानी सारा डेटा किसका दिया हुआ है, यानी प्रेशर भी मिक्सचर का पूछ रहा है, वॉल्यूम भी मिक्सचर का, मॉलिक्यूलर मास भी और टी भी, तो आप क्या करना पड़ेगा, हम लोग का वेट तो पता है लेकिन मॉलिक्यूलर मास किसका निकालना पड़ेगा, तो सबसे पहले इस डेटा से मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर निकालिए, पहले मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर निकालिए उसके बाद डेटा रखेंगे तब सॉल्व करेंगे। तो मिक्सचर का मॉलिक्यूलर मास निकालने का तरीका सिखाए थे शॉर्टकट में, मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर कैसे निकालेंगे, तो मोल फ्रैक्शन ऑक्सीजन का ऐसा डेटा दिया रहेगा, तो मोल फ्रैक्शन वाला फॉर्मूला था ना, तो मोल फ्रैक्शन ओजोन का मोलिकुलर मास, तो बताओ ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन कितना होगा 0.6, अरे 60/100 और इसका 32 और ये 0.4×48 सबको सम किया तो किसी को आया मिक्सचर का मोलिकुलर मास 38.4 आंसर तो नहीं आते हमको, देखते हैं तो सब सही है ना, सबको चेक कर लेना भाई, जैसा बोला सब लोग वैसा लिख दे रहे हैं इतना ही ना। अब बताओ डेटा में रख देंगे प्रेशर निकालने, हम यहाँ देखना प्रेशर निकालने के लिए कह रहा है वेट कितना दिया है, फॉर्मूला में रख रहे हैं वेट कितना दिया है 34 इंटू आर का वैल्यू 0.0821 टेम्परेचर और नीचे देखो मॉलिक्यूलर मास कितना आया 38 और वॉल्यूम कितना है 5, बताओ इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या याद करने बोले थे 34×22.4 ना, और यहाँ 38.4 और इंटू 5 क्या पक्का, तो देख के भी लग रहा है यहाँ इसको देखो 5 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 10/5
लिख सकते हैं ना जी। तो देखो ये लगभग कट के तुम्हारे आसपास आंसर अप्रोक्सीमेट बोल रहे हैं आपको, अप्रोक्सीमेट कट के लगभग। तो इसको 10 से करेंगे तो 2.24, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.48 से थोड़ा कम होगा, 4.48 से कितना लाया कोई आंसर? 3.9 एटीएम, एटीएम में ना लिखेंगे आंसर, क्यों? क्योंकि जब आर का वैल्यू इतना होता है उस वक्त प्रेशर को, अब वॉल्यूम चूंकि लीटर में ही दिया था इसलिए चेंज करने का जरूरत नहीं, वॉल्यूम लीटर में ही दिया था क्वेश्चन में क्या? पक्का? चलिए तो एक क्वेश्चन इसी तरह का क्वेश्चन और दें, इसी तरह का पिछला जो पढ़ा है उससे लिंक किया करके फटाफट लिखिए। ऑब्जेक्टिव में आंसर तुरंत तुरंत आएगा, सॉल्व करने में लगेगा आपको बहुत भारी, लेकिन ऑप्शन देके आंसर लगा सकते हैं हम जैसे हम सोचे। अरे 5 को हम ना डिवाइड वाइड करने के चक्कर में नहीं रहे, हमसे कहाँ डिवाइड करें अच्छा नहीं लग रहा है। और जब भी कभी डिवाइड करना ना, सुनो, कभी भी कैलकुलेशन करना है तो जीरो काटने का प्रयास नहीं, बोल दो जीरो काट के 10 को 5 कर देता है, जीरो का काटने का एकदम प्रयास माने, उसका कोई वैल्यू नहीं है तो खाली जीरो इधर उधर करेगा, जीरो का एकदम मत काटना। तो हमें यहाँ 10 था ना 5 था, उसको 10/2 लिख दे जान के देखो, पर 5 से कटने लग रहा था तो काट देते, नहीं कटा इसलिए लिखे। अब 34-38 लगभग 1 से थोड़ा सा कम होगा, 1 से थोड़ा कम होगा, तो आप यहाँ क्या करना कि 10 यहाँ करके 2.24 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4.48, तो उससे कम आंसर होगा, तो 4.48 से जो नियरेस्ट आंसर होगा ना कम वाला। तो बोलिएगा सर ऐसा काम चल जाएगा ट्रिक? हाँ ट्रिक काम चल जाएगा। कहाँ कहाँ काम नहीं चलेगा? जहां पे ऑप्शन बहुत नजदीक नजदीक। अब बोलिएगा ना ऑप्शन नजदीक नजदीक कहाँ दिया? नॉर्मल क्वेश्चन में ऑप्शन नजदीक नजदीक नहीं दिया रहता है, कहाँ दिया रहता है? तो जिस क्वेश्चन में कोई कॉन्सेप्ट लगाते हैं, जो हम कॉन्सेप्ट सही लगाएंगे तो आंसर मेरा आएगा सपोज करो 3.8, अगर उस ऑप्शन पे ध्यान ना दे तो आंसर आएगा लगभग 3.4 आंसर आएगा, ऐसा समझिए ध्यान से। कोई छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, जिस छोटा सा कॉन्सेप्ट को छोड़ दीजिएगा तो आंसर में थोड़ा सा वेरिएशन आएगा। तो वैसे ही क्वेश्चन में ऑप्शन नजदीक नजदीक होता है, क्योंकि क्योंकि अगर वैसा ऑप्शन नहीं देगा ना तो बहुत लोग गलत बना के भी सही मार्क्स ले लेगा। अरे गलत भी नहीं दिमाग लगाएगा फिर भी उसका आंसर 3.8 आ रहा है और उसका नजदीक आंसर क्या देखेगा 4, तो ठीक लगा देगा ना। तो वैसे ही क्वेश्चन में ऑप्शन में नजदीक नजदीक होता है, वरना हर क्वेश्चन में ऑप्शन दूर ही दूर होगा। एक क्वेश्चन और बनाइए, लिखो इफ 50 ग्राम, इफ 50 ग्राम ऑफ N2O4 इज प्लेस्ड इन 3-liter कंटेनर एट 25°C, 3-liter कंटेनर एट 25°C, देन कैलकुलेट प्रेशर ऑफ गैस इफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, देखो इस बार डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का बात दे रहे हैं, इफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ N2O4 इज 50%, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ N2O4 इज 50%, ठीक है ना? सॉल्व करिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ N2O4 इज 50%, इसमें भी गिवन लिखेंगे ट्राई करना है सब लोग को, उसके बाद ही अपने से ट्राई करना है तभी बताएंगे। चलिए हम ट्राई करें, तो क्या लिखा हुआ है भाई? एक कंटेनर है, कंटेनर है जिसका की वॉल्यूम 3 लीटर, इसमें N2O4 रखा गया है कितना? 50 ग्राम, N2O4 50 ग्राम रखा गया है, और रखने के समय टेम्परेचर कितना था? 298 केल्विन। पूछा क्या है? प्रेशर क्या? और क्वेश्चन में कहा कि N2O4 जो है टूट रहा है, अल्फा इसका 50%, इसका मतलब है टूट रहा है। हम तो रखे थे N2O4 को, लेकिन उसके बाद टूट के क्या बना दिया होगा? मिक्सचर बन गया होगा,
50% मतलब आधा टूटा आधा नहीं टूटा क्या? तो 50% टूट गया है, ध्यान समझिएगा सब लोग। तो दो तरीका से सोच सकते हैं इसको, आप चाहिए तो। एक तरीका ऐसा था कि अल्फा अल्फा किसी क्वेश्चन में दिया रहता था, इसका यूज क्या होता था? मॉलिक्यूलर मास है ना। तो बताइए N2O4 का वेट था, बाद में टूटने से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में ही वेट किसका हो जाएगा? यानी जितना भी डेटा दिया हुआ किसका डेटा दिया हुआ है, पूछ भी रहा है किसका? ये थोड़ी बोला कि टूटने से पहले प्रेशर क्या था जल्दी बताओ वरना टूट जाएगा, वैसे तो नहीं ना, टूटने के बाद ही ना प्रेशर पूछेगा, नहीं लिखा रहेगा क्वेश्चन में। अपने से पूछा प्रेशर बनाइए, तो ऐसा होगा कि हम कहीं जाके मशीन में नापेंगे, जल्दी से जाके राहुल क्या किया कि टूटने से पहले नाप लिया, बोला 3 ATM, उसका सब जा रहा है, सबका गलत निकल रहा है, तो सब गलत निकल रहा है, उसके बाद 5 नापा उसका दूसरा आया, तो राहुल गलत होगा कि बाद में जो नापा वो गलत होगा, है ना? क्योंकि भाई बोला कि अब जब आप बोल रहे हैं कि 3 ATM है, तो अभी प्रूफ करके दिखाइए 3 ATM है, उसके बाद टूट गया तो प्रेशर दूसरा ना होगा। तो अंडरस्टूड है कि प्रेशर किसके बाद होगा? टूटने के बाद। नहीं क्वेश्चन में लिखा रहेगा आप, लेकिन अपने से ध्यान लगाना पड़ेगा। तो ये वेट मिक्सचर का होगा, तो मॉलिक्यूलर मास तो मिक्सचर का निकालना ना पड़ेगा। तो मॉलिक्यूलर मास पायल बोले तो मॉलिक्यूलर मास क्या था? मिक्सचर निकालने का फॉर्मूला एम नॉर्मल 1 एन माइनस अल्फा, ना था। तो इसका N2O4 का N क्या होगा? N2O4 का N 2, तो यहाँ पे रख देंगे। और नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास का मतलब, इसका मॉलिक्यूलर मास बताया ना पहले, तो 92, और यहाँ पे N का वैल्यू, तो 1 प्लस अल्फा का वैल्यू 0.5 ना, तो 92 हो गया 1. क्यों निकाल रहे मॉलिक्यूलर मास मिक्सचर का? क्योंकि अल्फा दिया है तो जरूरत पड़ेगा, वेट मिक्सचर का है तो मोल निकालने के लिए जरूरत पड़ेगा ना, तो कितना आएगा? आंसर एक ही बार लाएंगे मान लिया, है ना। तो इसके बाद देख लीजिए, यहाँ गौर करिए सब लोग, तो पीवी इक्वल टू हम लोग NRT निकाल रखेंगे, आपको तो पी निकालना है ना, तो NRT बाई N क्या करिएगा, 50 कितना ग्राम है, 50 ग्राम, और बाई यहाँ मोल का जगह गिवन वेट बाई मॉलिकुलर मास ऑफ मिक्सचर वॉल्यूम RT। अब देखिए तो इसका 50 और यहाँ पर मॉलिकुलर मास कितना है, 92 इंटू ऊपर कर दिए, और वॉल्यूम 3 लीटर, R का वैल्यू कितना है इतना, और ये हो गया टेम्परेचर 298, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई तो याद है ना, तो भाई इसको काट देते हैं 5, तो 50 इंटू पॉइंट इंटू 24.45 बाई 92, तो लगभग कितना आंसर हो, कितना आया, 6.64 आ रहा है। अच्छा हम लोग ऐसे सोचेंगे तो कितना आएगा भाई, ऐसे सोच रहे हम लोग, लोग ऐसे 6.64 लाने का प्रयास कर रहे, नहीं ऐसे दिमाग लगा के। ऐसे करते हैं ना, देखते हैं इसको 50 को क्या लिख सकते हैं, 100/2, तो 100 92 लगभग 1 आसपास, अब 2 बचा रहा है ना, तो इसको काट दो कितना आ जाएगा, ये 12, अब 12 को 5 से करेंगे तो 6 वाला आसपास आंसर, नहीं ऑब्जेक्टिव में ऐसा सोचते हैं, नहीं सोचिएगा ना तो आप परेशान हो जाएगा मल्टीप्लाई करते करते। तो पूरा करना पड़ेगा, ये थोड़ी कैलकुलेशन आपको नहीं करना पड़ेगा, अरे स्मार्ट कैलकुलेशन आया तो IT वाला दिमाग लगाया, वो जुगाड़ लगा रहा है, तो हम तुमको क्वेश्चन देते हैं, बोला सारा करना पड़ेगा आपको, कैलकुलेशन तो करने आना चाहिए, कैलकुलेशन जिसको नहीं करने आएगा कैसे सॉल्व करेगा, उसमें 2 डिजिट तक पूछता है, 2 डिजिट तक आंसर आना चाहिए, केवल इंटीजर नहीं, दो तरह का होता है, एक न्यूमेरिकल इंटीजर है, तो प्योर मतलब 0 से 9 तक, तो आजकल नया जे एडवांस में आया है ना कि 2.34 यहाँ तक आंसर है, 2.3 तक आंसर आना चाहिए, 30 आंसर आना चाहिए, ऐसा ऑप्शन आ जाता है, एक दो क्वेश्चन ऐसा, 2-4 ऐसा अभी आता है, हाँ
मैंने आप अप्रोक्सीमेट आंसर लाने में दे देता है कि इतना से इतना में आंसर दे देंगे। नहीं, क्वेश्चन हर वो बदलते रहता है भाई, हर साल जे एडवांस में पैटर्न कुछ ना कुछ बदलते रहे। चलिए अगला क्वेश्चन एक आसान देते हैं। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन विच इज नहीं कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 1.4 ग्राम ऑफ मीथेन एट प्रेशर 38 सेंटीमीटर ऑफ एचजी। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन एट प्रेशर 38 सेंटीमीटर ऑफ एचजी एंड 27 डिग्री सी एंड 27 डिग्री सी। निकालिए, तो आसान क्वेश्चन है। सर इसका डिसोसिएशन होता है? नहीं, कुछ नहीं बोलेगा तो जबरदस्ती नहीं करना है। इस क्वेश्चन में डिसोसिएशन एसोसिएशन होगा वहां लिखा रहेगा, नहीं कुछ लिखा मतलब नहीं होगा। सीधा सीधा क्वेश्चन है, क्या वेट मीथेन का दे दिया है कितना 1.6 ग्राम। इसको इसका वॉल्यूम निकालना है कि वॉल्यूम क्या होगा कब जब प्रेशर इसका कितना है, टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सी। तो हम पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाएंगे, है ना। देखो ना कैसे मन किया पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाने का। अरे चार वेरिएबल है, तो इस चार वेरिएबल में देखो ना, चार वेरिएबल में एक तो वेरिएबल अननोन है, तो ये नहीं सॉल्व होगा। तो वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम के लिए आप लोग क्या देखो, मोल में गिवेन वेट बाई आर टी बाई पी। अब गौर करिएगा सब लोग, वेट 1.6 सॉल्व एक ही बार करेंगे, आर का वैल्यू जैसे हम इतना रखेंगे, इतना रखने से हमारा फाउंडेशन हो जाता है। ध्यान रखें टेम्परेचर कितना हो गया 300, मॉलिकुलर मास मीथेन का 16। अब यहाँ पे डिसोसिएशन नहीं बोल रहा, तो डिसोसिएशन नहीं करने चाहिए, 1.4 बोलेंगे, 1.6 अच्छा 1.6 बोले, कोई बोले रखो ना यहाँ 1.4 भी करेंगे तो अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा। प्रेशर कितना है, ये देखो प्रेशर आपका यहाँ जैसे आर का वैल्यू इतना रखेंगे तो प्रेशर किस में रखेंगे, तो इतना प्रेशर में कितना एटीएम, इसको 76 से डिवाइड करेंगे तो कितना, इतना एटीएम, तो आप यहाँ पे 0.5 एटीएम। आप गौर करिए इसको, इसका वैल्यू तो हम याद नहीं करने बोले थे, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या बोले थे, इसका या तो तरीका है 0.08 रखिए या 1/12 रखिए, जो आपको सही सूट करेगा डिवाइड करने में वही करना है, आंसर अप्रोक्सीमेट आएगा, है ना। ये काट के भाई इसको मान लिया, काट दिए वैल्यू कितना आ गया, अंदर में नीचे में 10 और 10 से मल्टीप्लाई किए तो 5 नहीं आया। अब इसको क्या करेंगे, इतना को तो 1/12 कर देते हैं और इंटू 5 इंटू 300 जिसको इससे मल्टीप्लाई करेगा 60, ठीक है ना, 60 से करेंगे कितना हो जाएगा 5 क्या केजी के ग्राम, 5 लीटर मालूम है ना, 5 नहीं 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 नहीं, इसलिए तो हमेशा वही मत याद रखना, सुन लो आपको हम जो बोल रहे हर चीज को आना चाहिए, एक तो फिक्स नहीं, बुढ़ापा लोग जो होता है ना सीनियर सिटीजन वो लोग फिक्स हो जाते हैं, ना ना जो करना है इसमें सीखेगा ना, हर वैसा वही याद रखिएगा कि आप 1/12 भी याद रखिएगा ना, हम बताएं तो कहीं ना कहीं यूज तो होगा ना नहीं। अब जब हाँ वो बोलोगे तो अगले बार हम बोल देंगे 29 डिग्री सी, बढ़ जाएगा ना, अगला क्वेश्चन वही करेंगे, चलो 29 डिग्री लिखते हैं। चलो एक क्वेश्चन आगे चले, आदर्श ट्राई कर रहा है, गिवन सब लोग लिख रहा है ना, निखिलेश्वर बाबा वाह वेरी गुड, प्रियांशु कहाँ है, प्रियांशु उधर एक बार, प्रियांशु
आर्यन कहाँ है? आर्यन आर्यन अच्छा उदय फोर पॉइंट थ्री देखो एग्जैक्ट फाइव तो नहीं आएगा, फाइव से थोड़ा सा कम आएगा कि 1/12 नहीं होता था, 1/12.18 होता था, हम उसको 1/2 याद है। ये नहीं कि हम लोग ना अप्रोक्सीमेट रखते रखते भूल नहीं जाएंगे कि ये सब भाई एक्यूरेट नहीं है, अप्रोक्सीमेट है, क्योंकि इसके जगह 1/12 है वो अप्रोक्सीमेट है। हाँ तो 4.9 आ रहा है, देखो उतना का फर्क नहीं आएगा, सुन लीजिए, अप्रोक्सीमेट लेने में 4.3 और 5 आने लगे तो हो गया अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्सीमेशन में थोड़ा मोड़ा का अंतर आना चाहिए, जैसे 4.9 और 5 मान लेने उतना का अंतर आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट थोड़ा सा क्वेश्चन दे अलग अलग टाइप का, चारों क्वेश्चन अलग अलग दिख रहा है ना, अगला क्वेश्चन अलग करे, मतलब सारा क्वेश्चन अभी हम पीवी इक्वल टू एनआरटी से दे रहे हैं सारा क्वेश्चन। तो लिखिए सिक्स मोल ऑफ नाइट्रोजन N2 नाइट्रोजन मतलब एंड 10 मोल ऑफ हाइड्रोजन इज प्लेस्ड इन 20 लीटर फ्लास्क, प्लेस्ड इन 20 लीटर फ्लास्क एट 29 डिग्री सी भी लिख देते हैं, एट 29 डिग्री सी एट दिस टेम्परेचर एंड दिस टेम्परेचर, हाँ मैंने इस टेम्परेचर पे एट दिस टेम्परेचर 50% क्योंकि नहीं लिख देते हम लोग 60 लिख लो, 60% हाइड्रोजन इज रिएक्ट, 60% हाइड्रोजन इज रिएक्ट। देन पहला क्वेश्चन इसमें कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ गैस, कैलकुलेट प्रेशर ऑफ द गैस। दूसरा लिखिए इसी में दूसरा क्वेश्चन, कैलकुलेट प्रेशर ऑफ द गैस इफ, फिर प्रेशर ही निकालने बोल रहे हैं, इफ 5 लीटर इज वाटर, 5 लीटर वाटर H2O, H2O लिक्विड, H2O में लिक्विड नहीं भी लिखेंगे तो अंडरस्टूड भी नहीं, क्योंकि वाटर लिक्विड ही होता है, वाटर वेपर बोलने के लिए बोलना पड़ेगा, लिक्विड बोलने के लिए बोलने का जरूरत। तो 5 लीटर H2O इज एडेड टू द फ्लास्क, मतलब उसी फ्लास्क में अगर 5 लीटर वाटर एड कर दिए तब प्रेशर क्या है, बिना एड करने से पहले प्रेशर क्या था, है ना। तो ये क्वेश्चन में स्टोकियोमेट्री मिला दी है थोड़ा सा, तो ट्राई करिए जल्दी से सब लोग, वीडियो ऑनलाइन में जो है वो भी अपना ट्राई कर लिए, उसके बाद हम बताएंगे, वीडियो पॉज कर रहे हैं। अच्छा सब लोग रुको, सब लोग अपना अपना जितना लोग बनाए हैं उसका एक बार मैच कराइएगा, कहीं बहुत लोग ट्राई किया है तो ट्राई करने में गलत हमको कहाँ दिख रहा है ना, कि मेरा जो बात है ना कि पीबी इक्वल टू एनआरटी में जिसका प्रेशर उसी का वॉल्यूम, बात को आप लोग ध्यान से सुने नहीं, अधिकांश लोग अगर रुको मैच देखते हैं तुम्हारा, तो सबसे पहले ना गिवन लिखते हैं ना क्वेश्चन में, तो गिवन क्या बोला है कि एक कंटेनर है कितना का, तो वॉल्यूम है कंटेनर का 20 लीटर, इसी के अंदर में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रखा गया, नाइट्रोजन कितना रखा गया और हाइड्रोजन 10, तो अमोनिया बनेगा ना जी, नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिएक्ट करता है तो अमोनिया बनता है ना। अब अमोनिया को हम बाहर बना दिए, मतलब बाहर नहीं कंटेनर में ही बना होगा नहीं अमोनिया, ऐसे हम गलत किए, पहला काम तो होता है गिवेन,
अब जब हम बनाएंगे अप्रोच तब ना सॉल्व रिएक्शन लिखेंगे, अभी पहले तो नहीं लिखना चाहिए था ना गरिमा। तो इतना बोल दिया चलो रिएक्टर है, कोई आसान रिएक्शन था इसलिए लिख दिए। उसके बाद बोला है कि जो इस रिएक्शन में जितना मोल आप लिए हैं, जितना मोल आप लिए हैं उसका 50% ही 60% ही रिएक्ट किया है। इसका 60% का मतलब कितना हुआ, 6 मोल रिएक्ट किया, 6 मोल यहाँ पे रिएक्ट किया ना, तो बचा कितना, तो 4 मोल रिमेन किसका, इसी के नीचे लिख रहा है, ठीक इसके नीचे लिख रहा है, तो इसी का हुआ मतलब 60%, मतलब इसका लिख दिया 60% रिएक्ट किया है। एक्चुअली मैं पहला वाला क्वेश्चन हार्ड कराने से थोड़ा सा ना बहुत लोगों का साइड इफेक्ट हो गया, क्या हो रहा है ना कि हर बार आप मोलिकुलर मास और मिक्सचर के चक्कर में पड़ जा रहा है, ये देख रहे हैं हम सब लोग कि भी तो मिक्सचर हो गया ना, है ना, साइड इफेक्ट हो गया, इसलिए पहला हार्ड नहीं कराना चाहिए। हार्ड नहीं था मतलब जो लोग नहीं पढ़ा उसके लिए तो हार्ड ही ना होगा पहला। अरे पहली बार जिसका इक्वेशन पी वी इक्वल टू एन आर टी पढ़ रहे हैं तो पहले आसान है, पी वी इक्वल टू एन आर टी को समझ लेता हूँ ना थोड़ा सा आसान हार्ड हार्ड। देखो तो ये 60% ही रिएक्ट किया तो 4 मोल क्या हुआ, कौन बचा 4 मोल, हाइड्रोजन। तो ऐसा होगा कि खाली हाइड्रोजन रिएक्ट किया होगा, नाइट्रोजन रिएक्ट नहीं किया होगा, किया होगा। तो जब बताओ 3 मोल ही रिएक्ट करता तो एक मोल। तो ये कितना मोल रिएक्ट किया, 6 मोल। तो 6 मोल, 4 मोल बचा है, रिएक्ट कितना किया है, 6 मोल। तो 6 मोल रिएक्ट किया तो कितना मोल रिएक्ट करता, 2 मोल रिएक्ट करता, तो 2 मोल रिएक्ट करता तो 2 मोल तो खत्म हो जाता, तो बचता कितना, तो 4 मोल रिमेन। यहाँ पे रिमेन वाला लिख रहे हैं, खत्म हो गया उसका कोई वैल्यू नहीं, 4 मोल बच रहे हैं। तो अमोनिया भी तो बनेगा, तो अमोनिया का मोल चाहे हम इससे सोच के निकाले या इससे सोच के निकाले दोनों से आंसर, तो नाइट्रोजन का कितना मोल खत्म हुआ है, 2। 4 मोल तो बच गया ना 6 में से, तो 1 मोल खत्म होता तो 2 मोल खत्म हुआ तो 4 मोल अमोनिया बना इस रिएक्शन में, क्या नहीं सब रिएक्शन करके कंटेनर में ही ना होगा। और जब ऐसा हो रहा था उस वक्त का टेम्परेचर कितना था, 29 डिग्री सी, मतलब कितना, 302 केल्विन। तो क्या पूछ रहा है, तो उस वक्त का प्रेशर पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन क्या है, तो देख के नहीं लग रहा, देखो प्रेशर टेम्परेचर मोल मोल वॉल्यूम वॉल्यूम कौन फॉर्मूला, तो PV इक्वल टू NRT में P इक्वल टू लिख सकते हैं ना, P NRT बाई, और हम रखते समय क्या बोले थे, जिसका प्रेशर, प्रेशर किसका पूछ रहा है, नाइट्रोजन का कि हाइड्रोजन का कि पूरा गैस का, जब पूरा गैस का प्रेशर पूछ रहा है तो मोल भी पूरा मिला के रखना पड़ेगा, वॉल्यूम तो पूरा मिला के मैंने कंटेनर का ही रखेंगे, तो जो बात नहीं बोले थे जिसका प्रेशर उसी का मोल, इसमें बहुत सारा मोल देखे बहुत लोग कंफ्यूज हो गया ना, नहीं तो बोले ना कि कहाँ आसान रहेगा, जहाँ एक एक मोल रहेगा तो सोचता भी नहीं है सब लोग और रख देता, बोलते तो हम तो सोचते नहीं, हम तो तुरंत हमसे बन जाता है ना, तो सब मोल ही ना है। देखो तो कुछ लोग क्या है कि मोल को फिर से वेट में निकाल रहा है कि ताकि मोलिकुलर मास और मिक्सचर ना आए, पढ़े थे थोड़ा देर पहले नहीं, तो जरूरत है मोलिकुलर मास और मिक्सचर क्यों ला रहे थे, क्योंकि क्वेश्चन में वेट दिया हुआ था, तो वेट को मोल, यहाँ तो मोल दिया ही है तो सब सोचने की जरूरत, अरे भाई सब मिला के देखो ना, 4 और 4 और 4 कितना हो गया, 12 मोल, मतलब टोटल मोल आपका है, टोटल मोल आ गया 12, और आर का वैल्यू और टेम्परेचर और वॉल्यूम, अब इसी को सॉल्व करिएगा तो यहाँ 12 और यहाँ क्या लिखेंगे, और यहाँ पे 302 और नीचे 20। अब देखो यहाँ 302 देख के बहुत परेशानी करते रहता है, 302 को 300 मान लीजिएगा तो ऑप्शन फिर भी सॉल्व हो जाता है, 12 कैंसिल, अब 302 को भी 300 मान लीजिए तो कितना हो जाएगा, 15 लगभग अप्रॉक्स। अब जो 302 मान के सोचने लगेगा ना तो सॉल्व ही करते रहेगा, अभी 2 into 10 भी तो कर सकते, हाँ भाई उतना, बात समझे सब लोग, ऐसी बनाया था बस,
पूछे ना, दो चीज पूछे ना। लेकिन जो स्कॉर्पियो बस चले जाते हैं, हाँ तो पूरा रिएक्ट करता है ना, लेकिन कभी कभी ना पिज्जा खराब निकल जाता है तो वापस लेते हैं, उसको कर देते हैं, पैसा भी नहीं देता कोई ना। यहाँ भी लगे क्वेश्चन जब बोला है ना, जो कंडीशन है कि 60% ही रिएक्ट किया है, कभी भी ऐसा कोई दुनिया में रिएक्शन नहीं जिसमें सारा रिएक्टेंट खत्म हो जाए, वो हम लोग जवसिक पढ़ लेते हैं। दुनिया में कोई ऐसा रिएक्शन नहीं जिसमें रिएक्टेंट लिमिटिंग जीरो हो जाए, लोग हम ऐसा मान के चलते कि सारा का सारा रिएक्टेंट को जीरो कर दें। और क्वेश्चन में कह दिया है कि 60% रिएक्ट किया, इसका मतलब 60% रिएक्ट किया, अपने जब से आगे रिएक्शन नहीं कराएगा, है ना। कहता कि अज्यूम करिए कंप्लीट रिएक्शन हो गया, देन फाइनली तब हम लोग कंप्लीट रिएक्शन कराते हैं। हाँ नहीं नहीं, कहता कि कंप्लीट रिएक्शन किया तो भाई इसमें कोई लिमिटिंग होता वो खत्म हो जाता, बाकी जो बेस्ट था उसी को सोचते। क्वेश्चन में कहा है कि 60% ही रिएक्ट किया है, किस टेम्परेचर पे? हो सकता है टेम्परेचर दूसरा में और रिएक्ट करता नहीं। हाँ इसका दूसरा पार्ट भी देख लीजिए, सुन लीजिए इसका सेकेंड पार्ट। किसी को कोई डाउट इसमें? सत्यम, आदित्य, दूसरा आदित्य, आर्यन, वो आर्यन, प्रियांशु स्क्वायर, नाइट्रोजन का ये जो 4 मोल है ये बचा हुआ है, 2 मोल ना रिएक्ट किया, ये 6 मोल रिएक्ट करेगा तो 2 मोल, तो 2 मोल ही रिएक्ट किया तो माइनस किया तो 4 मोल रिमेन। हाँ सेकेंड पार्ट देखा जाए एक बार। हाँ पता नहीं आंसर नहीं, तो हाइड्रोजन का 6 मोल रिएक्ट किया तो 3 मोल खत्म होता, तो इसका 1 ही मोल ना खत्म होता, तो 6 हाँ माइनस। अगला सेकेंड पार्ट देखिए ना, सेकेंड पार्ट बोला कि इसी कंटेनर में बाहर से, इसी कंटेनर में क्या हुआ, 5 लीटर पानी। तो बताओ 5 लीटर पानी अगर घेर के रखेंगे तो बताओ पानी तो नीचे भर के 5 लीटर तो घेर लेगा ना, तो जो गैस बचेगा वो क्या होगा, पानी के अंदर घुस के रहेगा। गैस कहाँ रहेगा? तो गैस तो ऊपर रहेगा ना, तो गैस का यहाँ पे वॉल्यूम कितना होगा? तो अगेन प्रेशर निकालने बोल रहा है, तो फिर से पूछा जिसका प्रेशर उसी का मोल, उसी का टेम्परेचर और उसी का, बताओ जो गैस रहा उसका वॉल्यूम कितना है? 15 ना है। मोल कितना होगा? मोल में भी इम्पोर्टेंट है, मोल कितना? नहीं 12 नहीं होगा। सुन लो हाइड्रोजन बेस्ट वाला लोग नहीं पढ़ा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन अमोनिया ऐसा गैस है जो कि वाटर में हाईली सॉल्युबल है। अमोनिया ऐसा गैस है जो वाटर में ड्यू टू इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों घुलता है? ड्यू टू याद करो हाईली सॉल्युबल है, तो जितना आपको अमोनिया दिख रहा है यहाँ पे पानी मिलाने से सारा का सारा अमोनिया पानी में घुल गया, सब अमोनिया यहाँ पे वाटर आया और यहाँ पे अमोनिया यहाँ गया, ऊपर में बचेगा कौन? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, और यहाँ क्या है कितना मोल? 4 मोल। और कुछ कुछ कहानी बना देगा, अभी हम नहीं बनाए इस बात को, कहता कि सपोज करिए कि जब अमोनिया घुला होगा तो वॉल्यूम थोड़ा बड़ा 5 लीटर से तो बढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए तो सब लिख देगा अज्यूम करिए मिक्सिंग के दौरान वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, ऐसा लिखा रहता है क्वेश्चन। ऐसा भी हो सकता है कि पानी निकलने से थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा भाई एनर्जी, तो हम लोग स्नान करते तो एनर्जी आ जाता है ना, तो ऐसा हो सकता है इसमें पानी मिलाया होगा तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन में फिर से एनर्जी आ गया होगा तो फिर से रिएक्शन कर सकता है, तो आगे भी लिख देगा अज्यूम करिए कि इसके बाद नहीं रिएक्शन किया रहा है फिर से, ऐसा लिखा रहेगा अज्यूम में, लेकिन हम लोग नहीं भी लिखा तो हम लोग मान लेंगे वही, अभी इन क्वेश्चन रियली में फैक्ट में लिखा होना चाहिए। बट बताओ ना वाटर में कुछ अमोनिया घुलेगा तो कुछ तो वॉल्यूम बढ़ा होगा ना, नहीं बढ़ा होगा तो वो तो बढ़ा होगा, कितना बढ़ा होगा? तो भाई अमोनिया का 4 मोल का वेट, अमोनिया का डेंसिटी के हिसाब से वॉल्यूम कितना बढ़ा होगा सोचना होगा, ये सब सब कंसीडर नहीं करना है क्या? पक्का? तो बताइए यहाँ पे मोल जिसका पूछ, जिसका प्रेशर पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है प्रेशर? गैस, तो ऊपर में गैस कौन बचा? तो जिसका प्रेशर उसी का ना वॉल्यूम लेंगे, तो भाई प्रेशर किसका होगा बताओ, तो मोल कितना और यहाँ पे कितना आर के जगह, और टेम्परेचर
यही ना, और नीचे 20 की जगह 15, तो आप क्या करेंगे? और ये 300 काट दे जस्ट, हाँ 300 काट दे, कितना आ गया? 20 कितना हो गया? 13.1 आप ना इसको 300 मान करके कैलकुलेटर से चेक करो आप लोग एक मिनट, आप इसको 302 को चेक करो और 300 से चेक करो, दोनों का आंसर बहुत रेयर बहुत खराब लगा फर्क आएगा, करके देखिए ज्यादा का फर्क नहीं आएगा। मैंने एक बार कैलकुलेटर से चेक करके देखना चाहिए क्योंकि हम अप्रोक्सीमेशन आप लेना सीख रहे हैं, तो भाई थोड़ा सा फर्क लेने से कितना चेंज आता है तो आइडिया रहना चाहिए ना, एक बार चेक करके। मोल किसका रही? नाइट्रोजन का, इसका मोल, इसका 4 मोल, इसका 4 मोल और ये 4 मोल, 13.4 ऐसा 300 लेके 13.4 नहीं आया प्रदीप? देखो यहाँ 302 लेके कितना आया? 13.4 और 302 को हाँ तो बोला 300 ले रहा है तो 13.3 आ रहा है और 302 रहे तो 13.4, इतना अप्रोक्सीमेशन तो चलेगा ना, इसलिए 29 दिया रहेगा, तो ऐसा नहीं सोचना, इसलिए हम बोले थे कि हर बार को याद मत रखना कहाँ क्या जरूरत पड़ेगा। समझ में आ रहा है बिदका आस्था? वॉल्यूम 25 कैसे हो जाना चाहिए? अमोनिया, अमोनिया वाटर में घुलने के बाद लिक्विड हो गया, इसलिए इसको नहीं ले रहे हम लोग, ठीक। अच्छा तो आप आगे तो पीबी इक्वल टू एनआरटी का देखो, आगे और बहुत सारा क्वेश्चन होगा। अरे चार सुनो ना, चार वेरिएबल में से क्वेश्चन होगा ना कि कभी कभी क्या करेगा कि पीबी इक्वल टू एनआरटी से मोलिकुलर मास मिक्सचर का निकलेगा और मिक्सचर का मोलिकुलर मास निकाल करके अल्फा निकालने के लिए आएगा, उल्टा नहीं आएगा? अभी हम किसी क्वेश्चन में लिखे थे अल्फा, उसके मदद से क्या निकला? प्रेशर। अब क्वेश्चन में प्रेशर सब दे देगा आपको, तो प्रेशर उसे सब दिया रहेगा और पूछा रहेगा कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो क्वेश्चन में अगर कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ N2O4 अगर पूछा तो आप क्या निकालिएगा? अल्फा निकालिएगा, पूछ ही रहा है तो निकालिएगा क्या पीबी इक्वल टू एनआरटी से? मोलिकुलर मास ऑफ मिक्सचर, तो मोलिकुलर मास ऑफ मिक्सचर को हम वापस अल्फा में बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते हैं, ठीक। तब क्वेश्चन का टाइप बदले, अब कुछ क्वेश्चन का टाइप ऐसा होगा पीबी इक्वल टू एनआरटी का ही रहेगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन में क्या रहेगा ना कि अगर गौर करो, सुन लो ध्यान से, पीबी इक्वल टू एनआरटी हम लिख रहे हैं, अब पीबी इक्वल टू एनआरटी में बताओ कि ऐसा कभी पॉसिबल है कि हम टेम्परेचर बढ़ा दिए और बोलेंगे बाकी कोई चेंज करेगा तो गोली मार देंगे, ऐसा होगा? सोचो कि टेम्परेचर हम खाली बोले, हम टेम्परेचर खाली बढ़ा रहे कोई मत बदलना, ऐसा होगा? तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या बदलेगा? कोई ना कोई एक ठो, कम से कम हो सकता है सब बदल ना जाए, लेकिन कम से कम कोई ना कोई एक ठो एडजस्ट करेगा ना क्या? अगर हम सपोज करो स्टील का कंटेनर रखें, मतलब स्टील का कंटेनर रखें और टेम्परेचर हम लोग 25 से 50 डिग्री, 25 से 50 में स्टील तो फैलेगा नहीं ना, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रहा, मतलब ये बोला हम तो नहीं बदले, हम तो स्टील का है, अंदर में ऑक्सीजन गैस रखा है तो 25 से 50 डिग्री में ऑक्सीजन गैस टूट टूट के थोड़ी गैस बनेगा, ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन में रहेगा कि थोड़ी ऑक्सीजन मीथेन में बदल जाएगा, मतलब अंदर में जो गैस वो भी चेंज नहीं करेगा, तो बेचारा बैलेंस कौन करेगा? बोलेगा ठीक है तुम बढ़े हो तो हम बढ़ जाते हैं, नहीं बढ़ेगा बोलो? ऐसा होगा कि एक ठो बदलेंगे और बाकी सिर ना बदले? ऐसा किसी कंटेनर में सपोज करो गैस रखा हुआ है और उस किसी तरह से उसमें पिन होल करके छेद कर दिए,
तो गैस धीरे धीरे बाहर निकल रहा है, बोलेंगे कि हम चेंज कर रहे हैं, बाकी कोई मत चेंज करना, ऐसा होगा? अरे कंटेनर जो बचा हुआ गैस है उसका तो कंटेनर के बराबर ही वॉल्यूम होगा, लेकिन उसके अंदर से मोल निकल गया कुछ, तो मोल निकल गया लेकिन वॉल्यूम बढ़ रहा है, हम तो स्टील का है, हम क्या करें? आप समझो, तू जो भी गैस बचा हुआ रहेगा, ऐसे थोड़ी है, बहुत लोग समझता है ना कि कंटेनर में गैस रखा, अच्छा गैस तो ऊपर से उड़ा हुआ, ऊपर में वैक्यूम हो गया, गैस नीचे हुआ पानी जैसा, ऐसा होगा? अरे जो भी गैस बचा रहेगा वो तो गैस भरा हुआ रहेगा ना जी, गैस का एक्सपेंड करेगा, भले प्रेशर धीरे धीरे, तो भाई देखो मोल निकल गया लेकिन वॉल्यूम तो जो भी गैस बचा हुआ गैस का वॉल्यूम, ऐसा होगा कि गैस ऊपर से ना गया है, नीचे वाला गैस तो ऊपर नीचे ना होगा, बोलो? तो नीचे वाला गैस थोड़ी, जो बचा हुआ गैस तो पूरा कंटेनर में एक उपाय ना करेगा, पानी लिक्विड नहीं है, सॉलिड नहीं है कि ऊपर वाले हटा दिए, गैस जो भी रहेगा वो तो रहेगा ना। तो बताओ, बोल रहे वॉल्यूम तो वही है, और बोल रहा कि गैस बाहर निकल लीक करने से गैस तो रिएक्ट कर नहीं रहा, टेम्परेचर भी चेंज, अरे गैस कुछ बाहर निकल गया थोड़ी ठंडा हो जाएगा गडर से, कि गैस निकल गया अब कहाँ होगा मेरा हार्ट बीट, ऐसा थोड़ी घटेगा उसका टेम्परेचर तो, लेकिन घटेगा कौन? फिर मोल घट रहा है तो कोई ना कोई तो एडजस्ट करेगा ना, समझ रहे बात को? तो क्वेश्चन अगला क्या मिलेगा समझिए, कि किसी क्वेश्चन में ना कह देगा कि इनिशियल टेम्परेचर टी है, बाद में टी टू हो गया, या इनिशियल टेम्परेचर टी वन है तो टी टू निकालिए, इनिशियल प्रेशर पी वन है तो बाद में, यानी इनिशियल प्रेशर दे दिया है पी वन और बोल रहा है पी टू निकालिए, तो पी टू मतलब प्रेशर बदला है तभी ना बोल रहा है आपको, तो बदला है इसका मतलब जरूर इसमें से कोई एक ठो भी बदल सकता है, हो सकता है सब बदल जाए, नहीं हो सकता ऐसा क्या? जैसे हम गर्म कर रहे हैं तो हो सकता है बैलून वाला था ये, तो बैलून फैलने भी लगेगा, और अंदर में N2O4 रखा है तो गर्म करने से N2O4 टूटने भी लगेगा, नहीं पॉसिबल है? तो टूटेगा तो मोल भी चेंज होने लगेगा, वॉल्यूम भी चेंज होने लगेगा, सब मिला के प्रेशर भी चेंज हो जाएगा, क्या करेगा? बोले हम साथ साथ हैं, सब मिलकर चेंज करते हैं, बात समझे? तो कुछ भी चेंज कर सकता है, आप मत सोच, अपने से पहले से डिसाइड मत करना कि क्या, क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि इनिशियल प्रेशर पी वन है तो पी टू है, तो आपको माइंड में कब रखना कि प्रेशर दिया हुआ है, बाद में प्रेशर पूछ रहा है, इसका मतलब जरूर चारों में से कोई ना कोई चेंज, चारों चेंज हो सकता है, दो ठो चेंज हो सकता है, तो ऐसा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, है ना? तो ऐसा क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट अलग है, देख क्वेश्चन से कराएंगे तो ज्यादा समझ आएगा इसको, ऐसा वाला क्वेश्चन ना, इसमें बॉयज ला चार्ल्स ने नहीं सोचना है, सबका सोल्यूशन PV=nRT से आएगा। चलिए देख क्वेश्चन लिखते हैं इसी का, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जेई में आया है, जेई एडवांस में, मैंने ये क्वेश्चन को हम स्पेशली कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से कराते हैं, है ना? देखो ये ओपन कंटेनर, बात थोड़ा नहीं करो, ओपन कंटेनर एट 27 डिग्री सी, ओपन कंटेनर एट 27 डिग्री सी मतलब क्या हुआ? एक ओपन बर्तन है, तो ओपन बर्तन है मतलब गैस तो हमें ना करेगा, हम लोग कौन स्टेट पढ़ रहे हैं? कंटेनर स्टेट की गैसीय स्टेट, बोलना नहीं बार बार कंटेनर कंटेनर बोल के दिमाग में भर देगा कि कंटेनर स्टेट पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं करना है कि नहीं? कंटेनर भेसल तरह तरह कहानी बना देगा, वो भेसल स्टेट, आप बार बार लिखिएगा कि कंटेनर का जो वॉल्यूम है वही तो गैस का होता, मतलब वही ना हुआ? ओपन कंटेनर एट टेम्परेचर इज हीटेड, अब देखो हीट कर रहे हैं मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा होगा तो इसको कोई ना कोई मिलके एडजस्ट किया होगा, है ना? इज हीटेड टिल 3/5 ऑफ द गैस, 3/5 हाँ 3/5 3/5 ऑफ द गैस 3/5 3/5 ऑफ द गैस इज एक्सपेल्ड आउट मतलब 3/5 ऑफ द गैस 3/5 भाग गैस बाहर, मतलब टेम्परेचर को कौन बैलेंस किया? मोल, है ना? टेम्परेचर चेंज किया हो तो बोलेगा मोल हम ही एडजस्ट करते हैं, प्रेशर नहीं लिखा है कुछ भी। ओपन कंटेनर का प्रेशर क्या होता है? यहाँ का कितना प्रेशर होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर 180 एमएम, है ना? देन कैलकुलेट फाइनल टेम्परेचर, तो इसको हम ही बताते हैं तब आप लोग, पहला क्वेश्चन है
नहीं, हम एक बार ट्राई करने दो ना, नेक्स्ट में आप है ना, हम एक बार सिखा देते हैं, उसके बाद अपना दिमाग लगाना ना, क्या होगा सुनिए, एक बार सीख लो बस, तब है ना दिमाग नया सीखने में ठीक रहता है। यहाँ देखो, सबसे पहला काम क्या है ना, हम बोले कि पहला क्वेश्चन सॉल्व करने का पहला अप्रोच गिवन, सही सही गिवन लिख लीजिए, लिख लीजिएगा तो क्वेश्चन सब बन जाए, पहले से प्री डिटरमाइंड मत हो जाना, पहले से प्री डिटरमाइंड नहीं हो जाना। देखिए सबसे पहला जो कहा है, फोटो बना देंगे अच्छा लगता है, एक ओपन कंटेनर कितना लीटर है वो नहीं बताया, तो एक ओपन कंटेनर का देखिए इनिशियल टेम्परेचर मतलब इसी को और इसी को हीट करके क्या पूछ रहा है, यही ना क्वेश्चन है, इसी को हीट करके पूछ रहा है आपको। अब क्या करेंगे हम लोग, कौन स्टेट पढ़ रहे हैं, तो आपका टारगेट क्या है कि जिसका टेम्परेचर हो, किसका टेम्परेचर है, कौन गैस का, गिवन हुए नहीं बोलना, जो गैस कंटेनर का है पूरा टेम्परेचर कंटेनर का, मतलब जो गैस कंटेनर में रखा होगा उसका, गिवन हुए तो सब ठगने वाला बात हो गया, जो गैस कहाँ कंटेनर में है उसका, तो भाई कंटेनर में जो गैस है जिसका टेम्परेचर, तुम सुनिए ध्यान से, गैस का चार वेरिएबल है, चारों वेरिएबल जिसका आप टेम्परेचर लिखे हैं उसका सारा कुछ लिखना होगा, नहीं जानिएगा फिर भी लिखना पड़ेगा, नहीं लिखिएगा तो समझिए गलती से क्वेश्चन बन रहा है, अगर सही से आप, हाँ लेकिन शुरू शुरू में थोड़ा हार्ड लगेगा, चार पांच क्वेश्चन के बाद जल्दी से लिखा जाएगा या मन में कैलकुलेट हो जाएगा, अच्छा ये नहीं चेंज करेगा, लेकिन लिखना जरूरी है सीखने समय, तो चारों वैल्यू लिखने में लगेगा थोड़ा भारी, क्या करे कुछ लिखवे नहीं किया, बोरे लिखवे करो, कुछ दिपे नहीं किया करे, लिखो चारों वैल्यू, तो लिखेंगे भाई जिसका टेम्परेचर है किसका, बोलिएगा जो गैस कंटेनर में है उसका वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम नहीं दिया तो बोलिएगा कंटेनर का वॉल्यूम मान लेते भी क्या, इसके अंदर कुछ ना कुछ गैस का मोल होगा वो भी नहीं लिखा है, तो माना कि मोल, और इसके अंदर जो गैस होगा उसका प्रेशर भी नहीं लिखा है, तो ओपन कंटेनर का प्रेशर लिखेंगे ऐसा पक्का। अब हीट किए हैं तो हीट करने के बाद फाइनल टेम्परेचर पूछ रहा है, तो किसका टेम्परेचर पूछ रहा है, कंटेनर का, तो कौन गैस का, जो बचा हुआ कि जो निकल गया, यानी जो बचा हुआ गैस के बारे में सब कुछ लिखना है हम लोग, तो बता बचा हुआ गैस का वॉल्यूम कितना होगा, भी होगा भी भाई फाइव होगा, भी होगा वो लोग बोल रहा है टू बाई फाइव होगा बोल रहा है, बोल रहा है बोल रही है पायल बोल रही है कि अरे भाई गैस ऊपर से निकला तो जो गैस बचा हुआ वो तो सारा गैस को एक उपाय करेगा, तो वॉल्यूम कैसे आप घटा दे, तो मोल ना चेंज करेगा, अरे जो गैस यहाँ से निकला तो गैस निकला तो ऊपर से खाली रह गया भाई, अभी बताया है ना, अरे जो कि गैस भरा रहेगा तो पूरा पूरा को एक उपाय करेगा, वॉल्यूम तो भी ना होगा पक्का। अब मोल कितना हुआ इसमें, 2/5 निकल गया तो बचा 2/5, अब बताओ तो 2/5 बचा, गैस गर्म करने से गैस निकल क्यों रहा था, प्रेशर कब तक निकलते रहेगा, तो प्रेशर फिर से बाहर का प्रेशर ओपन है तो अगेन प्रेशर कितना, यानी सारा का सारा टेम्परेचर का जो जिम्मेवारी था वो कौन झेला है ना, ऐसा लिखना पड़ेगा, देखो कुछ नहीं देखिए सब लिखा है ना, तो ऐसे सब सोच सोच के लिखना पड़ेगा, लिखने के बाद सुन लीजिए, शुरू में थोड़ा सा बोल रहे हैं कि लिखने में मैंने अप्रोच है ही, आप जब सीख जाइएगा ना तो ये सब मन में कैलकुलेट हो जाता है, इससे सेम क्वेश्चन अगले बार हम दे थोड़ा सा डेटा बदल दे 2/5 का जगह 1/5, तो इतना मेहनत करिएगा जो फॉर्मूला आएगा सीधे नहीं अप्लाई कर दीजिएगा, तो सीखने समय तो करना ना पड़ेगा, शुरू में तो किए ना। इसके बाद अब क्या करना होगा कि PV = NRT अप्लाई करने के बाद जो जो सुनो ध्यान से अगला स्टेप, जो जो वैल्यू इसमें बदल रहा है वेरिएबल है बदल रहा है सबको एक तरह, और जो जो वैल्यू कांस्टेंट है सबको बोले बदलने वाला एक तरह कांस्टेंट वाला एक तरह, तो बदलने वाला कौन कौन है बोला हम लोग पहले से एक तरह, तो आर क्या कर रहा है, जा इधर इधर भेज देते हैं, तो बताओ P क्या बदल रहा है कि कांस्टेंट है, अब वॉल्यूम P भी क्या है, सब कांस्टेंट मिला के लिखेंगे तो अच्छा लगेगा ना, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, नहीं आया कोई लॉ है, बॉयज लॉ चार्ल्स लॉ, तो लॉ नहीं आ रहा था,
सब लोग आज जो नहीं भी पढ़े वही नॉइस। एन कितना है? टेम्परेचर एन टू कितना? 3/5 क्यों नहीं लिखे? बचा हुआ क्यों लिखेंगे? निकला हुआ क्यों नहीं लिखेंगे? उसी का टेम्परेचर निकाल, बोलेगा जिसका टेम्परेचर निकाल रहे हैं उसी का ना मोल। 3/5 निकला तो जो जहां जहां गया थर्मामीटर लेके दौड़ेगा कहाँ कहाँ गया गैस थर्मामीटर लगा दे ऐसे। अरे बचा हुआ गैस का ना टेम्परेचर पूछ रहा है तो बचा हुआ लिखेगा ना यहाँ। तो यहाँ पे एन और ये टी पूछ रहा है तो देखो एन और एन इसको यहाँ भेजिए तो टी का वैल्यू अगर कोई वॉल्यूम निकालता है ना गलती से तो इसको एक तो 180 केल्विन किसी का आंसर आता है 120 केल्विन। अपने सॉल्व करिएगा ना इसमें क्या क्या आ सकता है तो आएगा 500 केल्विन 120 आएगा 180 आएगा ये सब फेवरेट ऑप्शन है इसका। गलत सलत करिएगा तो यही सब ऑप्शन आता है इसमें तो सॉल्व कर देखते हैं ना हम नहीं कुछ बोलते ना देखना इसमें से कम जो से सॉल्व होता 50% का आंसर आता है 120 और कुछ का आता है 180 क्योंकि वॉल्यूम करते ना जैसे यहाँ तो 180 आता है किसी का या 120 आता है। हम गर्म कर रहे हैं 300 के बाद कहा जाता है 180 हो गया तो ठंडा हो गया वो लैंग्वेज प्रिंटिंग मिस्टेक है ठीक है ना। हाँ ये कांस्टेंट है। अरे इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है जब मोल रखेंगे एन वन तो वॉल्यूम तो इसका कांस्टेंट तो बराबर ही ना होगा मोल चेंज किया तो सबका कांस्टेंट इन दोनों का प्रोडक्ट। अरे जहा जादू। अरे भाई हम माना कि मोल एन वन होगा इसका कांस्टेंट के अब मोल को चेंज किए तो दोनों के बराबर है तो ऐसे नहीं ओपन कंटेनर का प्रेशर 180। अरे ओपन कंटेनर का प्रेशर हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ना होगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना है उतना कुछ भी रख दो ना पी रख दो चलो तो पी का मतलब बदल तो नहीं ना रहा है कांस्टेंट। तो इसी का आप उल्टा क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे बोले आर से लिख रहा है लिखने दो लिखिए क्वेश्चन लिखते हैं इसका रिवर्स लिख रहे हैं ठीक सॉल्व करिएगा थोड़ा डेटा हल्का फुल्का चेंज कर देते हैं ताकि कॉपी होने से थोड़ा सा संभावना बच जाए। आंसर एग्जैक्ट लगाना अंदाजा अंदाजा टिक नहीं लगाना सीख रहे हैं इसलिए तो फर्स्ट नहीं है कि आज हम बना देंगे जल्दी से तो मेरा सिलेक्शन हो जाए समझ के बनाना है। श्रुति लिखो ओपन कंटेनर एट टेम्परेचर 27°C एट टेम्परेचर 27°C इज हीटेड to 500 Kelvin, heated to 500 Kelvin, then calculate fraction of gas, then calculate fraction of gas which are expelled out, calculate fraction of gas which are expelled out, कितना fraction of gas जो बाहर निकला। कोई हड़बड़ी करके कोई दिमाग लगा के नहीं कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं प्रो जो सिखाए हैं कि चारों ऑप्शन दे देंगे तभी वैसे सॉल्व करिए है ना। सब लोग जल्दी से सॉल्व करिए तुरंत बताएंगे देखिए। हाँ सही है सही लोग सब लोग सब बना सही रहा है थोड़ा सा खाली हल्का देखिए सुन लीजिए कह रहा कि एक ओपन कंटेनर है ना इसका टेम्परेचर और इसको हीट किए हम लोग 500 केल्विन तक हीट किए तो कितना फ्रैक्शन ऑफ गैस बाहर एक्सपेल किया। तो क्वेश्चन में प्रेशर यहाँ पे पी है 180 अब वॉल्यूम भी गैस का तो भी अभी लिखे थे हम लोग इसको तुरंत लिख देते हैं यहाँ आसान था इसलिए एक दो बार लिखने में हार्ड लगेगा आपको पहली बार लिखने में तो सोचना पड़ा ना दूसरी बार सेम क्वेश्चन में नहीं सोचना पड़ेगा इसलिए शुरू शुरू में जब भी नया क्वेश्चन मिले
तो हड़बड़ा के ज्यादा बनाने के चक्कर में नहीं रहिएगा, उसको सॉल्व करके आसान क्यों है, कैसे ऐसे क्यों कर रहे हैं, सब सोच सोच के लिखना है। अब कितना फ्रैक्शन बाहर गैस निकला, फ्रैक्शन का मतलब कि जितना भाई जितना गैस बाहर निकला और जितना गैस शुरू शुरू में लेंगे, दोनों का रेशियो पूछ रहा है। ये जो गैस बाहर एक्सपेल्ड हुआ और ये गैस इनिशियल, दोनों का रेशियो पूछ रहा है। जितना गैस का मोल बाहर निकला उसको ऊपर रखेंगे और जितना हम इनिशियल रखेंगे उसको, उसका इसका रेशियो पूछ रहा है आपको, नहीं तो हम क्या करेंगे रेशियो में एक चनाकी क्या रखेंगे कि अगर ये इनिशियल को हम वन मान लिए, तो इनिशियल को वन मान लिए मतलब वन से डिवाइड करेंगे, इसका मतलब जब नीचे वन रहेगा तो जितना गैस निकला वही आंसर हो जाएगा, नहीं आसान हो गया थोड़ा सा। लेकिन वो भाई हर्ष है जो हर्ष निकाला, यस यस निकाला कि नहीं, इनिशियल एन माने थे तो ये नीचे में एन रख दिया और निकला हुआ मोल भी एन के टर्म में आया, तो बाद में एन एन कट जाएगा, नहीं n1 इक्वल टू हम मान लेते हैं कि इनिशियली 1 n मानो तो आंसर कोई दिक्कत नहीं, n मान लेते हैं, लेकिन भी मान लेते हैं ना 1, तो मेन करके तुम्हारा क्वेश्चन तुम बनाना, ठीक इनिशियली 1 मान लेंगे तो नीचे कितना से डिवाइड करेंगे, तो नीचे 1 से डिवाइड करें या ना करें बात बराबर है, खाली क्या निकल पता करना है कितना मोल निकला बाहर वही आंसर हो जाएगा। इनिशियल अगर आप n मानिएगा तो जितना मोल बाहर निकला वो आंसर नहीं होगा, उसको कितना से डिवाइड करना पड़ेगा, एन से डिवाइड करना पड़ेगा तब आंसर। पॉइंट समझ रहे क्या पॉइंट है प्रॉब्लम? तो अब यहाँ पे एन टू निकालेंगे तो एन टू कौन मोल निकलेगा, बचा हुआ मोल कि निकला हुआ मोल, तो एन टू निकलेगा बचा, बाकी दोनों कॉन्स्टेंट है तो फॉर्मूला फिर से इक्वल टू एन वन का वैल्यू 1300, एन टू का वैल्यू 500, कितना आ गया एन टू का वैल्यू 3/4 बचा हुआ निकला ना, तो निकला एक मोल में से 3/5 मोल बच गया तो निकला कितना, तो निकला आपका 2/5 मोल। अब 2/5 को क्या करें, 2/5 / 1 इन आंसर हुआ। अगर वही एन से तुम निकालता अगर वहां, तो यहाँ पे एन रखते ना तो यहाँ भी आंसर आता 2/5 एन आता, यहाँ भी एन और एन एन कट जाता, आंसर वही आएगा, ठीक। तो कोई भी क्वेश्चन में अगर कोई भी डेटा दो बार दिया रहे, समझिए ध्यान से, तो दो भी डाटा कोई भी डेटा अगर दो बार दिया रहे तो अगर चाहते हैं अपने से बने तो आप हड़बड़ाना मत, पहले से प्री डिटरमाइंड मत होना कि n1t1 = n2t2 लगेगा, अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग लगेगा। तो आपका काम है कि जो वैल्यू दिया रहेगा उसको, जिसका दिया रहेगा तो सोचना कि जो गैस का होगा उसी गैस का वॉल्यूम होगा, उसी गैस का सब लिख लेना। अब कोई एक वैल्यू बदल रहा है तो बदलने से बाकी में तो चेंज आया होगा ना, क्या क्या चेंज आया है सब लिख लीजिएगा, नया क्वेश्चन तो नया ना होगा। उसके बाद PV = nRT में निकाल के देखना पड़ेगा, जो बदल रहा है वो एक तरफ, जो कांस्टेंट है वो कौन फॉर्मूला लगना वो तो लगेगा अपना, उसमें बॉयस ला चांस ला सोचने का जरूरत, बॉयस ला का क्वेश्चन होगा तो अपने आप PV = कांस्टेंट आ जाएगा, चांस ला होगा तो अपने आप VT = कांस्टेंट आ जाएगा, अपने आ जाएगा, सोचने का जरूरत नहीं कि चांस ला वाला क्वेश्चन नहीं। एक क्वेश्चन देते हैं, अच्छा एक चीज और बताइए, एक और फॉर्मूला है PV = nRT होता है ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आइडियल गैस इक्वेशन। अब इसी इक्वेशन को एक फॉर्मेट और है, एक फॉर्मेट और है ऐसे, ठीक। अब मॉलिक्यूलर मास को इधर भेज दिए और वॉल्यूम को, इसको क्या लिखेंगे, मास बाय वॉल्यूम होगा, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, ये भी आइडियल गैस इक्वेशन है, इसका भी नाम, बट आइडियल गैस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ, आइडियल गैस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ, जैसे इसको सोच रहे हैं ना हम लोग, चार वेरिएबल यहाँ भी है, चार में से तीन दिया रहे, फॉर्मूला लगाएंगे, तो उसी तरह से कभी कभी हो सकता है डेंसिटी के टर्म में क्वेश्चन हो, तो जैसे यहाँ सोच रहे हैं वही यहाँ सोचेंगे, सेम टू, ये भी आइडियल गैस इक्वेशन है, लिख लीजिए, मतलब आइडियल गैस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, हेडिंग लिखना चाहिए तो लिख सकते हैं इसको,
आइडियल गैस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, आइडियल गैस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, जैसे आप पीवी इक्वल टू एनआरटी को सोच रहे हैं ना, चार वेरिएबल, अगर डेंसिटी हो, मॉलिक्यूलर मास हो, तो आप इसको भी ऐसे सोच सकते हैं। चलिए क्वेश्चन और देते हैं, इसका यूज करा देते हैं, है ना। लिखो, बहुत सारा क्वेश्चन ना डेटा ऑथेंटिक रखना पड़ता है, अगर डेटा ऑथेंटिक नहीं रखेंगे ना तो आंसर नेगेटिव आने लगेगा। जैसे अभी हम कह देंगे कि ऐसे कह दे अगर आपको कि भाई N2O4 और NO2 का मिक्सचर है, या N2O4 को हम किसी कंटेनर में रखें 27 डिग्री सी पे, N2O4 को रखें, NO2 नहीं बोले आपको, क्या बोले है? N2O4। और उसको किसी टेम्परेचर पे रखेंगे, तो बताओ टेम्परेचर पे रखेंगे तो उसका भाई हो सकता है N2O4 टूटने लगेगा, तो बोलेंगे उसका प्रेशर दे देंगे कि उसका भाई प्रेशर इतना है, और डेंसिटी दे दी आपको, तो बताओ डेंसिटी दे दिए, टेम्परेचर दे दिए, प्रेशर दे दिए, तो निकलेगा क्या? ऐसे N2O4 का मॉलिक्यूलर मास तो हम लोग को पता है 92, लेकिन सॉल्व करके आ गया सपोज करो 75, तो इसका मतलब जरूर टूटा होगा नहीं, तो मॉलिक्यूलर मास क्या निकलेगा मिक्सचर का, तो मॉलिक्यूलर मास मिक्सचर निकलेगा, तो उसके मदद से तो क्वेश्चन क्या देगा, कैलकुलेट अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ N2O4। इसके लिए डेटा तो हम कैलकुलेटेड होना चाहिए, इन्हें कि हम डेटा ऐसा दे कि मॉलिक्यूलर मास मिक्सचर का निकल जाए 190, टूटने के बाद तो घटना ना चाहिए, तो डेटा उसके हिसाब से तो एग्जैक्ट ना होना चाहिए नहीं, वरना हम अपने से कोई डेटा दे देंगे तो पता चलेगा कि घटने के बजाय बढ़ गया, ऐसे हो सकता है, या 46 से कम आ जाए तो भी तो नहीं हो सकता, 46 आ गया इसका मतलब पूरा टूट गया है, अल्फा 100% आ जाएगा नहीं। तो एक दूसरा क्वेश्चन देते हैं, तो ये डेटा वाला क्वेश्चन बुक में रहेगा, उसे बनाना पड़ेगा, एक्यूरेट डेटा। तो एक क्वेश्चन बनाइए हम लोग, इफ टेम्परेचर ऑफ गैस, इफ टेम्परेचर ऑफ गैस इंक्रीज बाई 10%, टेम्परेचर ऑफ गैस इज इंक्रीज बाई 10%, देन कैलकुलेट टेम्परेचर ऑफ गैस इंक्रीज बाई 10%, देन कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन डेंसिटी, परसेंटेज चेंज इन डेंसिटी ऑफ गैस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, परसेंटेज चेंज ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। अब कौन गैस है? तो ऑक्सीजन गैस है, नहीं टूटने वाला गैस है, कोई और गैस बोल देंगे जो नहीं टूट रहा है, हीलियम गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, है ना। सॉल्व किया जाए, इसमें भी क्या बोल रहा है देखो, तो कैसे सोचेंगे कौन फॉर्मूला लगेगा, बनाने से पहले दिमाग में क्या आएगा, टेम्परेचर परसेंट चेंज हो रहा है, इसका मतलब टेम्परेचर दो बार है, तो टेम्परेचर दो बार है, तो दो बार है इसका मतलब टेम्परेचर चेंज किया हुआ, तो दोनों में से कोई ना कोई तो बैलेंस किया होगा ना, तो बैलेंस कौन किया? डेंसिटी बैलेंस किया है, बाकी सब अरे अंदर में जो गैस है उसका मॉलिकुलर मास, ये फॉर्मूला सोचेंगे, तो प्रेशर बोल रहा है कॉन्स्टेंट है, मॉलिकुलर मास गैस का वही चेंज नहीं होगा, तो टेम्परेचर को बैलेंस कौन किया? तो फॉर्मूला यानी दोनों वेरिएबल है बाकी सब, तो फॉर्मूला कौन सा वैलिड होगा? D1 T1 इक्वल टू यही वैलिड होगा। हाँ देखो, देखते बनाने दो सब लोग को, गिवन आंसर आए ना आए, गिवन प्रथम प्रॉपर होना चाहिए, अगर गिवन प्रॉपर हुआ तो बाकी क्वेश्चन भी सही से बनेगा, हार्ड क्वेश्चन भी देखो सही बना रहे तुम लोग सही है, लेकिन हम इसको ऐसे अप्रोच करिए ना, तो सिखाए नहीं थे स्टॉइकोमेट्री में, सिखाए थे ना, देखो सुन लो मतलब क्वेश्चन में क्या दिया कि भाई T1 कितना है भाई, तो देखो हम आपको सिखाए थे ना, कोई भी क्वेश्चन अगर परसेंट वाला हो, कोई वैल्यू अगर अपने से मानने का मन करे तो 100 मानेंगे, नहीं आता है तो यहां भी मान लेंगे, डी मानने से क्या होगा, थोड़ा सा सोचने में टाइम लग रहा है, तो माना कि टेम्परेचर कितना,
और क्वेश्चन में बोला है कि कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, तो 100 का 10% कितना हो जाएगा? देखो 100 मानने से फायदा हुआ, तुरंत तुरंत लिखा जाता है नहीं। अब बताओ तो इस क्वेश्चन में बोला है प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है, तो यहाँ का भी प्रेशर कांस्टेंट। जो अंदर में जो आप जैसी डेंसिटी पूछा है ना आपको, डेंसिटी कितना परसेंट चेंज किया, इसका मतलब है टेम्परेचर चेंज किया है, तो डेंसिटी चेंज कर रहा होगा। और हो सकता है मॉलिक्यूलर मास कुछ भी चेंज हो रहा है, लेकिन बोल रहा है कि भाई नहीं चेंज हुआ है, मतलब जो गैस यहाँ था बाद में भी गैस, यानी मॉलिक्यूलर मास भी सेम ही होगा। सुन लो एक बार, सुन लो अभी क्या लिखना है। इसका मतलब है टेम्परेचर को बैलेंस कौन कर रहा है? हर बार ऐसा नहीं होगा, गौर करना, गलत फहमी मत रहना। हो सकता है कि टेम्परेचर चेंज कर देना, तो कभी कभी दो तीन चीज बदल देता है, तो बोले कि जो जो बदलेगा उसको सबको एक तरफ करना, तो फॉर्मूला आ जाएगा D1T1/m1=D। हो सकता बोल देगा कि इनिशियली N2O4 रखे थे, अल्फा हीट करने से, टेम्परेचर हीट करने से अल्फा इतना हो गया, तो मॉलिक्यूलर मास भी चेंज कर जाएगा। पूछेगा कितना चेंज किया, वो भी निकालने बोल सकता है क्या? यहाँ नहीं बोला कुछ, इसका मतलब नहीं टूट टूट रहा होगा। तो आपसे पूछा है, सुनो क्या पूछा है, कितना परसेंट डेंसिटी में चेंज हुआ। तो कितना परसेंट डेंसिटी में चेंज हुआ, मतलब डेंसिटी घटेगा तो डिक्रीज बाय दिस परसेंट, इंक्रीज ऐसे बोलेगा ना, तो ये भी परसेंट में ही पूछ रहा है। तो इससे अच्छा है इसको भी मान लेते हैं कि 100 मान लें परसेंट है। अगर मान लेते सपोज करो D2 क्या होगा, बचा हुआ डेंसिटी, अगर बचा हुआ डेंसिटी सपोज करो कि 90 आ गया, तो क्या बोलिएगा? 10% से घट गया, सीधे माइनस कर देंगे, परसेंट बड़ा आसान होगा ना, लेकिन पता है लीनियर तो होगा नहीं, क्योंकि 10% बढ़ाएंगे, क्योंकि फॉर्मूला क्या आ रहा है, PV=PM=DRT। अब गौर करिए ये और सब कांस्टेंट, तो फॉर्मूला क्या आया, तो देखने में तो नहीं लग रहा है Y=MX+, इन दोनों में रिलेशन लग रहा है। अगर इन दोनों में रिलेशन Y=MX+C से मैच करता तो हम बोलते लीनियर पैटर्न। तो लीनियर का मतलब एक 10% बढ़ता तो दूसरा 10%, याद करिए लीनियर पैटर्न तो नहीं दिख रहा है, नहीं तो लीनियर तो नहीं, 10% तो होगा। तो अब सॉल्व करेंगे, देखिए इसी को रख दीजिएगा, तो हम यहाँ पे D1T1=D2D2, तो हम लोगों क्या होगा, परसेंट निकालने से झंझट बच जाएंगे ना, तो यहाँ 100 और ये भी, और ये क्या D2 निकाल लेंगे, और ये क्या होगा, तो D2=1000/11 है ना, कोई तो बोल ही रहा था, तो 1000/11 बचा हुआ डेंसिटी ना आया, लेकिन हम तो बचा हुआ निकालेंगे, तो इसको डिवाइड करिएगा तो आएगा क्या 90. ये डेंसिटी बचा हुआ है, लेकिन आपसे पूछे कितना परसेंट, तो ऑप्शन में ये भी रहेगा, बोले मेरा तो आया था तो इतना है ना, तो पहले 100 था 90.9 बच गया, तो कितना घटा, माइनस ना करेंगे, तो आंसर कितना होगा, परसेंट डिक्रीज ऑफ डेंसिटी 9.1। मान ली परसेंट वाला क्वेश्चन में 100 कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, 100 करने से फायदा हुआ ना, कि परसेंट निकालना नहीं पड़ा, खाली माइनस करना पड़ा। अगर तुम डी मानते हैं तो डी जितना घटा Y=100 का करना पड़ता है, आएगा ही, कैसे नहीं आएगा, सही प्रोसेस तो वही है, सही प्रोसेस है कि वही से सीखने से क्या होगा, क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन बनेगा, यही वाला हर बार में 100 थोड़ी मान सकते हैं आप, सही तो D1 मानना है, उसके बाद मानना, ठीक है ना, हो गया टाइम क्या, तो ठीक है, तो अब आज के लिए इतने सवाल समाप्त करते हैं। अगले क्लास में सुनिए, अगले क्लास का होमवर्क पहले सुन लीजिए सब लोग N80 का कम से कम 60 क्वेश्चन का गिवेन लिख के लाना है, हाँ हमको नहीं बनाने का मतलब, जरूर गिवेन लिख के लाना सही से, और जो लोग नहीं लिख के लाएगा तो भैया क्लास से बाहर। अरे अगर बना लीजिएगा तो बहुत बहुत अच्छा बात है, उतना समझदार आप लोग हैं।